गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अरुण मौर्या आपका चैनल HSC लर्निंग एकेडमी में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है फोर्कलिफ्ट सेफ्टी। फोर्कलिफ्ट सेफ्टी क्यों ज़रूरी है हम उस पर बात करेंगे, इसमें क्या क्या हज़ार्ड उससे रिलेटेड है हम उससे बात करेंगे, और उसके जब हम उसका इंस्पेक्शन करते हैं फोर्कलिफ्ट का, तो उसके दौरान हमें कौन कौन से पॉइंट कंसिडर करने चाहिए हम उस पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कंटेंट्स में क्या क्या है। सबसे पहले है व्हाट इज़ फोर्कलिफ्ट, फोर्कलिफ्ट क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड हज़ार्ड क्या क्या है, एंड विच पॉइंट शुड बी कंसिडर ड्यूरिंग फोर्कलिफ्ट इंस्पेक्शन, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्कलिफ्ट होता क्या है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो फोर्कलिफ्ट है आपने ज़्यादातर जगहों पे देखा होगा, इंडस्ट्रियल एरिया में, या कहीं पर जो वेयर हाउस है वहाँ पे देखा होगा आपने कि जो स्मॉल इलेक्ट्रिकल या हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल व्हीकल होता है, जो पावर ऑपरेटेड होता है, पावर ऑपरेटेड जो उसके आगे के फॉग्ड होते हैं, जो फॉग्ड अगर आप नहीं समझते हो तो मैं बताता हूँ, आगे के जो उसके जो निकले होते हैं उसको हम फॉग्ड बोलते हैं, वो हाइड्रोली ऑपरेट होता है। हम उसका यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम जो इंडस्ट्री है या वेयर हाउस है वहाँ पे जो लार्ज स्टोरेज फैसिलिटी है वहाँ पे जो भी गुड्स है उसको अरेंज करने के लिए या गाड़ी लोड करने के लिए या अनलोड करने के लिए हम फोर्कलिफ्ट का यूज़ करते हैं, और इसके यूज़ के दौरान ही बहुत से इससे रिलेटेड हज़ार्ड और एक्सीडेंट भी होते हैं। तो आज जो हमारा मेन एम है इस वीडियो का, वो यही है कि इससे रिलेटेड हज़ार्ड क्या है और उसे हम कैसे रोक सकते हैं उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि व्हाई इट इज़ नेसेसरी, ज़रूरी क्यों है, फोर्कलिफ्ट का हम यूज़ क्यों करते हैं, या हम बोल सकते हैं क्यों ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए। तो फर्स्ट वन इज टू एलिवेट द लोड। जैसे आपने देखा होगा जब भी कोई गाड़ी या व्हीकल अनलोड होता है तो फोर्कलिफ्ट का यूज़ करते हैं। फोर्कलिफ्ट का यूज़ करने के दौरान हम क्या करते हैं, जो उसके आगे के दो फोर्क होते हैं उसे अटैच करके हम जो भी मटेरियल है उसे स्टेबल करके फिर एक जगह से दूसरी जगह उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं और अनलोड या लोडिंग का काम करते हैं। तो ये हो गया। और जो दूसरा है टू लोअर द लोड, मतलब लोड को उठाने के लिए और लोड को ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हमें ज़रूरी है फोर्कलिफ्ट का। अब हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड हज़ार्ड क्या है। सो द फर्स्ट वन इज़ अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है, अटैचमेंट आर अ सोर्स ऑफ सेवरल फोर्कलिफ्ट हज़ार्ड सिंस डिफरेंट अटैचमेंट अफेक्ट बोथ द लिफ्ट ऑपरेटिंग क्लियरेंस एंड ओवरऑल कैपेसिटी। अटैचमेंट आल्सो एड वेट टू अ लिफ्ट एंड रिड्यूस द कैपेसिटी। अटैचमेंट क्या होता है, जैसे कि हमने जैसे हमारा एक पैलेट है, पैलेट के ऊपर हमने मटेरियल को जमा दिया, ठीक है। अब वो मटेरियल को जमा दिया, जब हम उसे फोर्क के थ्रू हम जब उसे उठाएंगे तो प्रॉपर वहाँ पर अटैच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि जब भी फोर्कलिफ्ट का मूवमेंट हो तो जो हमारा अटैचमेंट है उस वो स्टेबल रहे पूरा मूवमेंट के दौरान, इसलिए ये अटैचमेंट ज़रूरी है। और अगर अटैचमेंट प्रॉपर नहीं होता तो जब ज़्यादातर टाइम देखा गया मटेरियल के फॉलिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। और अगर हम उसकी जो कैपेसिटी है फोर्कलिफ्ट की जो कैपेसिटी वो मेंशन रहती है उसके बॉडी पर, तो अगर उसकी कैपेसिटी से हम बियॉन्ड भी लेके जाते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी है उसके कारण वो जो उसका वर्किंग परफॉर्मेंस है फोर्कलिफ्ट का वो कम हो जाता है। इससे भी जो कभी कभी हमने देखा फोर्कलिफ्ट जो होती है पलट जाती है, तो ये एक्सीडेंट इंडस्ट्री में बहुत से बार क्रिएट हो चुके हैं। तो फर्स्ट वन जो हज़ार्ड था ये है अटैचमेंट। सेकंड वन क्या है, फ्यूलिंग। जब भी हम देखते हैं कि रिफ्यूलिंग और रिचार्जिंग के टाइम क्या जो हज़ार्ड होते हैं, जो मतलब हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं या गैस यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या फ्लेमेबिलिटी का रिस्क रहता है और फायर का चांसेस होता है। तो ये जो फ्यूलिंग और रिफ्यूलिंग है उस टाइम भी हमें बहुत सी सावधानियाँ रखनी पड़ती है। जैसे कि जब भी फ्यूलिंग या रिफ्यूलिंग करें, एक मतलब जो डेसिग्नेटेड उसका प्लेस है वहाँ पर उससे करें, ठीक है। और उस प्लेस में कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक सोर्स या ओपन फ्लेम का मतलब रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह प्रोहिबिशन होना चाहिए उस एरिया में। तो फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग के टाइम ये भी होना चाहिए कि जो वहाँ पे वेंटिलेशन है प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम जो हमारा SI इंजन है उसको चालू या बंद करते हैं तो उसके दौरान जो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है
उसके कारण जो टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती है वो भी एक पोटेंशियली रिस्क है, तो वो भी हमें कंसिडर करके चलना पड़ता है। देन मैन्यूरिंग एंड स्पीड, इम्प्रॉपरली ड्राइविंग अ फोर्कलिफ्ट प्रेजेंट्स इट्स ओन सेट ऑफ डेंजर। जब भी कभी भी ड्राइविंग करना हो तो जो भी ड्राइवर है वो उसका प्रॉपर, उसका पूरा हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि फोर्कलिफ्ट को कैसे चलाया जाए। अगर रिवर्स डायरेक्शन में चला रहे हैं तो क्या क्या हमें मतलब सावधानियाँ रखनी है, ये चीज़ें उनको ट्रेनिंग के दौरान हमें बतानी पड़ती है। ठीक है, ड्राइवर्स कैन पोटेंशियली कोलाइड विथ थिंग्स लाइक पेडेस्ट्रियन। अब जो ड्राइवर है जब भी मतलब कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में चलते, कि रिवर्स डायरेक्शन में क्यों चलते हैं, क्योंकि जब फोर्कलिफ्ट में हम लोड मतलब उस पर लगाते हैं तो ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो हमने मटेरियल रखा है उसकी हाइट के कारण उसको जब वो स्ट्रेट डायरेक्शन में देखता है तो सामने कौन आ रहा है तो ये पता नहीं चलता है, तो इस बहुत सी बार उनको क्या रिवर्स डायरेक्शन में फोर्कलिफ्ट को चलाना पड़ता है, तो इससे और जो हज़ार्ड है या एक्सीडेंट के चांसेस वो क्रिएट होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि मतलब जो ड्राइवर है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए फोर्कलिफ्ट चलाने में, ये हो सकता है। देन उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट कैसे हम मतलब एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। जब भी मतलब जो फोर्कलिफ्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह जैसे यू टर्न ले रहा है या एल टर्न ले रहा है, तो उस टाइम पे जो ही ब्लाइंड स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट में क्या उसको सावधानी रखनी है, जब भी वो रिवर्स डायरेक्शन में उसकी फोर्कलिफ्ट को लगाता है तो फिर रिवर्स डायरेक्शन में जो उसका हॉर्न है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए, ताकि जो भी पेडेस्ट्रियन है उनको ये पता चल सके कि हाँ वहाँ से फोर्कलिफ्ट अंडर ऑपरेशन है। ठीक है, और ब्लाइंड स्पॉट में ज़्यादातर क्या हज़ार्ड होते हैं वो इसमें मेंशन किया हुआ है, जैसे ब्लाइंड स्पॉट आर स्पेशली डेंजरस व्हेन ऑपरेटिंग अ फोर्कलिफ्ट सिंस अनएक्सपेक्टेड इम्पैक्ट कॉजिंग सीरियस इंजरीज, फुल लोड ऑब्स्ट्रक्ट द ऑपरेटर्स व्यू एंड फोर्स देम टू ड्राइव बैकवर्ड्स एट टाइम एज मेंशन है। वो जैसा अभी मैंने बताया कि जब फुल उसमें लोड लगा देते तो ज़्यादातर टाइम उसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाना पड़ता है फोर्कलिफ्ट, तो क्या करना है, ड्राइवर शुड कंफर्टेबल ड्राइविंग अ फोर्कलिफ्ट एंड शुड ऑल्सो हैव अ स्पॉटर व्हेन मैन्यूरिंग अराउंड ब्लाइंड स्पॉट। स्पॉटर क्या होता है कि ऐसा कोई, जैसे हम देखते हैं कि हम जो जैसे ट्रैफिक में ही बहुत सी बार आपने देखा होगा लेंस लगे होते हैं एक कॉर्नर पे, तो उससे क्या पता चलता है कि उधर से जो ब्लाइंड स्पॉट से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो हमें दिख जाती है, तो इससे जो फोर्कलिफ्ट का ड्राइवर है वो इंश्योर हो जाता है कि मतलब वहाँ से कोई व्हीकल का मूवमेंट हो रहा है या नहीं, तो वो इजीली वहाँ से अपने फोर्कलिफ्ट को लेके जा सकता है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट में ये सावधानी भी रखनी पड़ती है। देन उसके बाद है फ्लोर कंडीशन। फ्लोर कंडीशन क्या, जैसे बहुत सी टाइम आपने देखा होगा जब फोर्कलिफ्ट का ऑपरेशन होता है तो उसे जो कंटेनर है मटेरियल को डायरेक्ट उसी के अंदर लोड करना होता है, जिसके कारण वो हम क्या करते हैं उसके लिए स्लॉप तैयार करते हैं ताकि जो फोर्कलिफ्ट है वो इजीली मूवमेंट कर सके। तो ऐसे टाइम पे अगर जो लोड है वो स्टेबल नहीं है तो इस टाइम भी बहुत से एक्सीडेंट के हज़ार्ड क्रिएट होते हैं, जैसे इसमें बताया है द सराउंडिंग वर्क एरिया प्रेजेंट सेवरल पोटेंशियल फोर्कलिफ्ट डेंजरस लाइक डेब्रिज पडल्स अनस्टेबल ग्राउंड एंड अदर फ्लोर्स ऑब्स्ट्रक्शन कैन कॉज फॉल्स और ओवर टर्न्स इफ नॉट इमिडिएटली टेकन इन टू अकाउंट। और इसमें यह बताया गया है कि जब भी मतलब हमारे जो फोर्कलिफ्ट का मूवमेंट है या हम जब भी माल लोड कर रहे हैं गाड़ी पे तो उस टाइम पे जो ग्राउंड है या ऑब्स्ट्रक्शन है वो उसे पूरा क्लियर कर देना चाहिए बिफोर अपना जो भी वर्क है उसको स्टार्ट करने से पहले। तो ये फ्लोर कंडीशन है। देन उसके बाद है लोड्स। लोड हजार्ड में क्या क्या है, इनसिक्योर और अनस्टेबल लोड। जब भी आप जो भी मतलब फोर्क यूज़ कर रहे हैं तो फोर्क में ये मतलब इंश्योर कर ले कि जो आपका लोड है वो प्रॉपरली स्टेबल कंडीशन में है, क्योंकि अगर अनस्टेबल कंडीशन में रहता है तो बहुत सी बार जो लोड है वो आपका नीचे गिर जाता है, जिससे कि मतलब कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग्स वहाँ पे ट्रैप हो सकती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। लोड्स ओवर कैपेसिटी, जब भी आप कैपेसिटी के बियॉन्ड जब उसमें लोड्स डालेंगे तो एक तो उसकी जो फिज़िकल परफॉर्मेंस है वो भी कम होगी एंड उससे जो मतलब उसका हज़ार्ड है वो भी क्रिएट होता है, क्योंकि बियॉन्ड अगर उसके आप कैपेसिटी के करते हैं तो वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी और उसके कारण उसका कभी कभी फॉलिंग हज़ार्ड भी होता है। और कैरिंग हज़ार्डियस मटेरियल, जैसा आपने केमिकल इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा कि बहुत से मतलब हम जो ड्रम वगैरह है हज़ार्डियस केमिकल के
उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो इस शिफ्टिंग के दौरान बहुत सी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर मान लो कोई टॉक्सिक गैस का, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनिया के सिलेंडर हैं, क्लोरीन के सिलेंडर हैं, हमें अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उसमें हमें पूरी प्रॉपर सावधानी रखनी पड़ती है, और जो कंडीशन है उसका पूरा स्टेबल होना चाहिए वहाँ पर। नहीं तो अगर मान लो अगर ये नीचे वहाँ से गिरता है तो इसमें बहुत से चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि वहाँ से जो गैस है वो लीकेज हो सकती है उसके ब्रेक होने के कारण। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमें पॉइंट कंसिडर करने हैं जब हम फोर्कलिफ्ट का इंस्पेक्शन करें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो फर्स्ट पॉइंट है टायर्स, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो है टायर्स, हमें जो टायर्स की कंडीशन है उसको प्रॉपर देखना है, उसके हॉर्न काम कर रहे हैं कि नहीं, जो उसका रिवर्स जब गियर पे लगाता है वो हॉर्न, और जब उसका आगे चलता है वो हॉर्न प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, उसके जो हेड लैम्प है लाइट्स, हेड लैम्प्स रिवर्स, जो रिवर्स के हेड लैम्प है वो, और उसका जो रिवर्स हॉर्न है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। देन उसकी बैटरी की कंडीशन देखनी है, बैटरी की कंडीशन में क्या क्या देखना है, जो भी उसके अंदर बैटरी के ऊपर कैप लगा होता है वो प्रॉपर कैप है कि नहीं इंसुलेटिंग वायर के ऊपर, ठीक है, वो देखना है, और अगर उसमें कोई वायर का इंसुलेशन डैमेज हुआ है तो वो देखना है। ये सब चीज़ें कंसिडर करनी है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। एंड कंट्रोल एंड गियर शिफ्ट, उसके गियर प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हैंड ब्रेक जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर जो उसका हाइड्रोलिक ऑयल है वो मतलब उसका प्रॉपर लेवल है कि नहीं है, फिर फ्यूल लेवल प्रॉपर है कि नहीं है, हैंड ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं सही से, ये सब चीज़ों का आपको देखना है जब भी आप इंस्पेक्शन करें। फिर उसका सीट बेल्ट जो भी ड्राइवर है उसका वो चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं, स्टेयरिंग प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ब्रेक और रेडिएटर फ्लूड लेवल जैसे मैंने बताया। तो ये जो सब पॉइंट है ये आपको कंसिडर करने हैं ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। तो ये इसमें इतना ही वीडियो में, अगर आपको इस वीडियो में और भी कोई मतलब पॉइंट आप ऐड करना चाहें या और भी आपके कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे पेजेस के मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पर मुझसे अटैच हो सकते हैं और आपके कमेंट के दौरान आप मुझसे आपके डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।